बाकी है तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, पता नहीं है क्या निकलने वाला है इनके दोस्तों। माय गॉड, इतना बड़ा अनबॉक्सिंग आपने कभी नहीं देखा दोस्तों। अभी हम अहमदाबाद में हैं, यहाँ पे एक प्रभु जी बहुत ही बुरी हालत के साथ रह रहे हैं। हेलो भैया, क्या नाम है अंकल? बाबा दादा भाई, जाला भाई, दादा भाई, भैया रामापीर। अरे वाह वाह, इधर आ जाओ, साइड में रोड ब्लॉक हो जाएगा, इधर आओ। कौन है आपके परिवार में भगवान? दादा भाई कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं है, कच्ची बहुत ताबीज है ये तो यार। अच्छा, पैसे किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? ये सब बांट दे रहेगा सबको खाने के लिए। अच्छा, और लाख के बड़े हो गए। कितना? और 6-7 लाख। चोखा चावल का सौदा हुआ। अच्छा, आप एक काम करो, मेरे साथ चलिए। क्यों? क्यूँ? अच्छा एक मिनट रुको, इधर रुको, हम नहीं ले जाएंगे, आप रुको इधर, इधर रुको, ट्रैफिक क्लियर कराओ प्लीज। ये आपका सामान है सब? बंगाल। अच्छा, आप मेरे साथ चलो। प्लास्टिक का धारा बना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। प्लास्टिक का दाना बना है। अच्छा, प्लास्टिक में दाना बनाना है, प्लास्टिक के दाने बनाने हैं। अच्छा, आप कितने टाइम से जानते हो भाई? मैं 6 महीने से जानता हूँ, यहाँ मेरी दुकान लगती है, यहीं है, अगल बगल में कहीं घूमते रहते हैं, पूरा दिन यहाँ मैदान में धूप में खड़े रहते हैं। अच्छा, ये कौन सा लोकेशन है अहमदाबाद? ये अहमदाबाद में वस्त्राल तनमन भाजी पाव 4 रास्ता। तनमन भाजी, हाँ, भाजी पाव 4 रास्ता। अच्छा, उसके परिवार में वगैरह कोई? कुछ पता नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। अच्छा अंकल, ये ठीक है, आप मेरे साथ चलो। अरे ऐसी बात मत करो, आप चलो मेरे साथ, चलो खड़े हो जाओ। गाड़ी ले जाओ, भाई साहब। अरे गाड़ी लेने जाओ, चलो चलो ऊपर दी जाओ, चलो 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 ऊपर दी जाओ, चलो आओ ना करे, ले लो तुम मामा, ले लो कुरियर, जाओ घर जाओ। मैं पहली बार जवाना कुरियर माता का वजह से हैं। आ कुरियर माता, अरे माताजी तो मोकलोस मने आज पहलू नोरतु छे, અને માં કોડિયારે મોકલો છે મને, તમારે જીવન સુધરી જશે, ચાલો મારી સાથે, ચાલો ઉભા થાઓ, ચાલો ચાલો ચાલો, આપણે સામાન બસ, જબરદસ્તી નહીં કરો, જબરદસ્તી નહીં કરો, ચાલો પ્લીઝ ટ્રાફિક ક્લિયર કરાવો, ચાલો ઉભા થાઓ, ક્યાં જાઓ? આવી ગયો આવી ગયો, ચાલો 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 ઉભા થાઓ, પાછા જતા આવતા રહેજો, ચાલો ચાલો, લો તો મામા, ચાલો ઉભા થાઓ, ચાલો ચાલો વાલો ઉભા થાઓ, કયા દાઢી બાઢી નવરાઈ કપડે પાછા મોકલશી, ચાલો નવરાયણ કપડો બદલાઈ પાછા જ આપવાનું હોય, ચાલો કઈ નઈ, સાચું સામાન તમારું છે, બેસી જાઓ, પૈસા ઉપર જ જીવ છે કાકા નો, અરે વાહ, પ્રેમ થી બેસી ગયા, શું વાત, સામાન લાવો કાકા, સામાન, પાછલી ગાડી મેલ દે, સામાન સામાન લાવો, મૂકી દો, હા મૂકી દો મૂકી દો, અરે પૈસા ડબ્બામાં જોયા છે, ચાલો ભાઈ થેન્ક યુ, ક્યા નામ બતાયા થા આપકા? મેરા નામ જયંતિભાઈ, જયંતિભાઈ આપ 6 મહિને સે જાન, 6 મહિને સે યહી ગ્રાઉન્ડ પર દેખતા હું, ઓકે, રાત મે ભી યહી સોતે, હા રાત કો પતા નહીં, મે 7-8 બજે તક રહેતા હું યહી મેદાન પે, યહી ખાના પીના કુછ નહીં ખાતે, ખાલી બસ યહા ચા પીતે, અચ્છા અચ્છા, ચલો થેન્ક યુ સો મચ ભાઈ, બધા લોકો આવા લોકોની મદદ કરજો, ઓકે, થોડોક ટાઈમ નીકળજો તમારા ટાઈમ માંથી, ઓકે સર, ચાલો આવજો બધા, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ, ટાઈમ તમે નીકાળજો તો અમને વધારે ગમશે, ઓકે થેન્ક યુ, ચાલો આવજો બધા, મળીએ મળીએ મળીએ.
तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे नजदीकी गवर्नमेंट का शेल्टर होम है वहाँ पे ओडो में, और अहमदाबाद में अभी रात होने वाली है। आज पहला नौरता है और माता जी का इस पहले नौरते में इस काम के लिए हमें निमित्त बनाया, वो सबसे बड़ी बात है। और चले कोई बात नहीं, आप पूरा एपिसोड देखना दोस्तों, और कोई भी व्यक्ति जो अंकल को जानता है तो प्लीज आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं, आप अंत तक देखिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओडो शेल्टर होम, जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट हर वक्त सुविधा देती है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो चलिए कुछ जीवन में बदलाव लाते हैं, आप पूरा वीडियो देखना और शेयर कर देना। आ जाओ भगवान आ जाओ। अरे वाह, लाओ मैं ले लेता हूँ, ये लाओ। अरे वाह, आप छोड़ दो, मैं ले लेता हूँ, आप छोड़ दो, उधर चले जाओ, साइड में चले जाओ, उधर आ जाओ। बड़ी व्यवस्था हमें मिली है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और आप ऐसे रहते हो यार। पुण्यल माता तू बारो भाई हैं, तू बारो भाई पुण्यल माता हूँ। कहाँ थे? खोड़ियार माता। खोड़ियार मंदिर से बारो। खोड़ियार मंदिर तमारू छे? आई निकोल माँ छे। हाँ छे खोड़ियार माता जी। आ मंदिर आपने माटे बनाव्यू छे? हाँ बड़ो आई जाओ। खोड़ियार की कृपा, बीजू तो आपने शू जोवे? पुण्यल माता ये सब क्या है इसमें? बंगारू बीजू चाला दानू। अच्छा बंगार है सब? बंगार। कितने का सामान है ये? अच्छा नहीं तो बड़ा बड़ा उनका ईश्वर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। दोस्तों हमारे दादाजी की हालत बहुत ही ख़राब है, इतने सारे तावीज, आप पूरा गला अभी हम ये सब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। पावागढ़ थी मोकलिया छे माँ काल का, ये उपाधि करो माँ, अपने नवे नव नोरता माँ अपने मौजूद करवानी छे। और बहुत ही बुरी हालात है। चले कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते थोड़ा बदलाव लाते। अभी रात हो गई है, रात के बज चुके 6:30, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे हो जाएंगे, बट किसी भी व्यवस्था को जो सुधर जाएगी वही सबसे बड़ी बात है। आज पहले आज माता जी को हम अच्छे से प्रार्थना नहीं करोगे तो ये निकाल दो, ये निकाल, ये इसको मामा क्या कहते? बोरियो। वस्त्राल खोड़ियाल मायद मोकला छे अमने। माताजी कीधु नवरात्रि पहली नोरतु छे तो अमने नवड़ाई दो मारा भगत ने मारा छोकरा ने। अहमदाबाद वस्त्राल में पता नहीं कितने सालों से वो इसी हालत के साथ घूमते होंगे। अले वागी जैसे काका, धीरे धीरे काटवा दियो हमने। वाइस सर भी डाल दिया आपने। खोड़ियाल में आवी रीते थोड़ा रही है? माता जी नो अपमान करो छो खाली गोटा खोड़ियाल बोली बोली ने। बालों में बांधने के लिए यूज होता है ये बोरिया। ये अंकल के हाथों में से 10 तो निकले है बोरिया। चलिए पेलू छे, एक मिनट आप एटलू काटी लेवा जो, चलो निकले एटलू काटो। અરે તમારું સારું કરીએ છીએ કાકા, જોજો વાગે નહીં, નહીં વાગે હાઈ તૂટી ગયો, નહીં 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 બોલું છું, સોનાનો દોરો છે કાકા, સોનાનો દોરો છે કાકા, ગણપતિ બાપા આવ્યો છે, બાપા આવ્યો, ગણપતિ બાપા, કરો કરો કાટો, કાપી નાખો કાપી નાખો, એવું કરે છે હે, કેવું કરે, હા ગળામાં કાટલો બહુ કેટલી તાકાત
देखो आप गणपति दादा की हालत देखिए कितनी बुरी तरह से बांधा है। देखिए दोस्तों दादा ने व्यवस्थित साफ कर दियो। ये क्या है काका सब हैं? इसे कौन रहता है? पकड़ो मामा वालो। आवी तो थोड़ो जीव एक तो जीवन में भार नहीं तुम्हारा शरीर माने दोस्तों। आप ये हालात देखिए आज तक काफी सारे केसेस हमने रेस्क्यू किया है बट ऐसे दादाजी को आज तक पहली बार देखा है जो इतनी बुरी हालात के साथ पिछले काफी महीनों से अहमदाबाद के वस्त्राल एरिया में घूमते रहते थे। वहाँ पे भी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे बट दुख ये बात का हो रहा है कि व्यक्ति जब हम आते हैं तो एक्साइटेड हो जाता है कि चलो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें ऐसा अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। आप इससे कुछ सीखिए और अपने आसपास लोगों की ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए। આપણ ટિફિન બાંધવાનું છે કાકા, હવે તમે તે બહુ ગીર્યો આમ જો મામા આવું નાનું ટિફિન આવે ને, ટિફિન બાંધવાનું છે કાકા, હવે એ ટિફિન બાંધને કા હતા ને ટિફિન ઉસકા હે રખ દો યે દોસ્તો। એ સબ હમારે દાદાજી કે વસ્ત્ર હે, આપ દેખીએ કિતના ભાર લેકે ઘૂમ રહે થે, ક્યાં હું પડ્યો હમણા, એ આપ પેટ દેખીએ ખાવ છો કે ખાતા જ નથી, આ મૂકી દો બધું, પાણા બાંધ્યા છે આમાં, રીસર ના પાણા બાંધેલા છે, આજુ આની અંદર રીસર ના પાણા બાંધ્યા, અરે છોકરી નું પહેર્યું છે તમે કાકા, હા નાવાનું છે, ચાલો એક મિનિટ પેલા વાળ કાપી નાખો, બેસો અહીંયા બેસો પછી આપણે જઈએ નાવા, લાવો તો મશીન, હવે સમજી ગયા તમે दोस्तों। ये हालात है हमारे आसपास रहने वाले लोगों की, जो हम कभी पास में नहीं जाते तो ऐसे व्यक्ति कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं और तभी पता चलता है कि व्यक्ति हमारे एरिया में कोई मर गया है, और तभी जब हम उसके पास नहीं जाते तो आप देखिए ये सब देख के बहुत गंदा फील हो रहा है। और अहमदाबाद जैसे सिटी में इतने लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारी ऐसी मानसिकता है कि कहीं हम ऐसे व्यक्ति के पास कैसे जाएंगे, वो मारेंगे बोलेंगे कुछ भी कर देंगे, ऐसे मानसिकता मत रखिए। आज हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। सब कचरा लेके घूम रहे थे और शायद कोई व्यक्ति ऐसे पैसा दे जाता होगा, कोई ऐसे पैसे दे जाता होगा, कचरे की माफक के पैसे का यूज़ हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि कचरा पेटी में है। ऐसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है जब ऐसे व्यक्ति जब इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आप पैसा मत दीजिए ऐसे व्यक्ति को, देना है तो टाइम दीजिए, प्यार दीजिए और सही जगह दीजिए जिस तरह से उसके हालात बदल सकती है। लो भाई ये पैसा सही से आप यूज़ करिए। तो दोस्तों काका के जो जिसके पास पोटला था काका के पास, उसका आप कचरा देखिए एक बार, आप खुद हैरान हो जाओगे कि व्यक्ति इतना सारा भार लेके घूमता रहता था। इधर आ जाओ, इधर वो कचरा पेटी में सब जाएगा, इधर आ जाओ। अरे नहा लेते हम आज, कोई बात नहीं, चलो उससे ही नहाते हैं। इधर खड़े रहो, ओ लाओ ये दे दो चुंदड़ी, ये दे दो। ओम शनुकाय, चलो काका ऊपर हाथ फेरो फिर से, ओम शैम्पू में इस शैम्पू की सानिध्य में हम आपके मुंह क्या बोलते हैं उसको, सर को साफ करेंगे। काका खड़ा नहीं होना है, हमें अभी और नहाना है, बाकी है थोड़ा। बैठ जाओ भगवान प्लीज, आंखें बंद रखना आप एक बार, अभी मस्त रूप से आप मस्त तैयार हो जाओगे। भगवान का स्मरण कीजिए, कपड़ा लाओ ले अपना।
दोस्तों अंकल जो गले में तावीज बांध के मतलब जो भी कुछ था वो पत्थर लटका के वो घूमते रहते थे, गले की चमड़ी बहुत ही खराब हो रही है। चले कोई लाओ इधर, लाओ इधर हाथ की केला मस्त नहाई ली थे आप नए नए कपड़े पहन लेंगे आप तो यार हीरो बन गए हैं काका। केवा छो पटेल, पटेल छो तुम्हें, तुम्हारा पूरु नाम शू? खोडियाल मा, हैं खोडियाल माता। हाँ खोडियाल मा तो छे ज बरोबर, तो तुम्हारा नाम शू छे? मारो नाम राजा भाई। हैं पटियाला। कयो भाई? पटियाला। पटेल 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 पटेल। तुम्हारा नाम शू छे? पटेल पटेल यार। पटेल, ओके ओके, चलो मस्त आपने बाहर जाइए। चलो कितना बाज भा है, कितना बोझ हल्का हो गया है। तमे केवा पटेल छो? कड़वा पटेल के लेवा पटेल? पटेल जी पटेल छो। अच्छा अच्छा, खोडियार बाग, खोडियार माता की उमिया मा, खोडियार बाग मंदिर से रे मारू। अच्छा, आप क्या काम करते थे पहले अंकल? क्या भाई है 56 मशीन, क्या 56 मशीन था, व्हाट्सएप करने का मशीन था, नोट छपने का मशीन, नोट छापने का मशीन था। अच्छा, पैसे की नोट? हाँ। अच्छा, वो जो नोट पैसा छापने की मशीन थी, मशीन वो तो बहुत गलती, आप बहुत लेट मिले हमें। अभी है ना हमारा जो सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है ना अंकल, अभी जो हमारा सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है ना, वहाँ पे अभी दूसरा माल तैयार होने जा रहा है, तो अभी उसके लिए हमें 20 लाख की ज़रूरत थी। तो आपके पास जो मशीन रहती तो अभी ये सब कुछ नहीं करना पड़ता हमें, डायरेक्ट हम आपसे ही मिलते हैं। कब खो गई आपकी मशीन? मशीन जो है ना मोटा भाई की, मोटा भाई की थी। मैं मोटा भाई हूँ। हैं वो घोड़िया मोटा भाई है यार। अच्छा, तो भी है राजा भैया मोटा भाई, आप बताओ फूटा चाबे में बड़ा फूटा था हाथ में दो लोन घड़ी। अच्छा, चले दोस्तों कोई बात नहीं, आज अंकल की जिस तरह से हालात थी आपने देखा आगे वीडियो में, अभी कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए समय की आवश्यकता रहती है, और समय देते हो तो हर कोई व्यक्ति बदल सकता है। और दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग अभी देख रहे हैं, तो अभी जो हमारा सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है वहीं पर भी आपका साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे रोड पर रहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था बन रही है जहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सुविधा फ्री में मिलती है। तो चलिए अंकल मैं अब रजा लेता हूँ, खाना खा लीजिए आप। बाहर खाऊ ले थी, खा दूं मैं, खा दूं तो मैं। चलो काई वांदो नहीं, शांति थी रहो, अनु आवतो रहीस। बीड़ी आप जो, हाँ बीड़ी आप ही दो तुमने।